अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है वो टॉपिक हमारे बोर्ड के वाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तकरीबन हर ईयर में हम देखते हैं हमारे जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं मोल फ्रैक्शन के, तो मोल फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है आज की क्लास में आपको बताया जाएगा कि मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स टू मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। क्या है हमारे पास यहाँ पे दो मोल दिए हुए हमें, किसके, इथाइल अल्कोहल के, एंड थ्री मोल्स ऑफ वाटर, और तीन मोल किसके हमारे पास यहाँ पे वाटर के। कैलकुलेट क्या करना है हमें, मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन मालूम करना है किसका, इथाइल अल्कोहल और वाटर का, इस सॉल्यूशन में हमें दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे डेटा पे। डेटा पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिए हैं, मेंशन हुए हैं टू। आगे ये कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे हमारे पास, थ्री। अब इसके बाद ये फॉर्मूला इसमें कौन सा अप्लाई होगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स, एक्स इसको शो करता है फ्रैक्शन को शो करता है, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट, मीन्स पूरे सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनका मोल, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जितने आपको टोटल सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं उनको डिवाइड करना है किससे, मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट मतलब इथाइल अल्कोहल के, और टोटल जितने हमारे मोल हैं उनको आपस में डिवाइड करना है। अब आगे हम बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एक्स ए, एक इसको शो कर रहे हैं हम जो है किसके मालूम कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल के मालूम कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन, इज इक्वल टू एन ए, एन ए जो है किसको हम शो कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल को, और बी किसको शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके, वाटर के। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू हमने रखी, एन ए की वैल्यू क्या थी, टू थी, डिवाइडेड बाय एन ए की वैल्यू क्या थी, टू थी, और एन बी की वैल्यू क्या थी, थ्री थी। अब इन दोनों को प्लस करके आगे लिखेंगे, टू थ्री प्लस टू कितना हुआ है, फाइव, इक्वल टू दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 0.4। अब इसी तरह नीचे आएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालेंगे, कैसे निकलेगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी किसको शो कर रहा है, मोल्स ऑफ वाटर को, एन ए किसको शो कर रहा है, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल को। वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, एक्स बी थ्री डिवाइडेड बाय टू प्लस थ्री, क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, थ्री अपॉन टू प्लस थ्री कितने हुए, फाइव, इज इक्वल टू दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम, दोनों को जैसे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 0.6। तो हमने क्या किया, ऐसा दोनों के मोल फ्रैक्शन मालूम कर लिया।